कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, बदले जाएंगे सीमावर्ती क्षेत्रों में वर्षों से डटे कर्मचारी और अधिकारी। ड्रग माफिया को खत्म करने के लिए एनडीपीएस एक्ट में होगा संशोधन। एक ही स्थान पर बार बार तबादला लेने की प्रथा होगी समाप्त। हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस, आबकारी और वन विभाग की चौकियों पर वर्षों से डटे कर्मचारी व अधिकारी शीघ्र ही बदले जाएंगे। देखने में आया है कि इन विभागों के साथ साथ राजस्व विभाग के पटवारी, कानूनगो सहित अन्य श्रेणियों के कर्मचारी भी यहीं जमे रहते हैं। शिकायतें मिली है कि ये लोग आपसी तालमेल से नजदीकी स्थानों पर तबादला करवा रहे हैं। शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये जानकारी दी। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में ड्रग माफिया को खत्म करने के लिए कड़ी सजा का प्रावधान होगा। इसके लिए एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों में संशोधन होगा। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री से बात हुई है। नए प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। शीघ्र ही ड्रग माफिया पर कार्रवाई शुरू होगी। विधायक मलेंद्र राजन के प्रश्न के उत्तर में सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार को सीमावर्ती क्षेत्रों की पोस्ट पर तैनात कर्मचारियों को लेकर शिकायतें मिली है। सरकार एक ही स्थान पर कर्मचारियों को बार बार पोस्टिंग देने की प्रथा को खत्म करेगी ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। शाहपुर में लंबे समय से तैनात पुलिस अधिकारी, कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने भी एक पुलिस अधिकारी का उल्लेख किया कि शाहपुर क्षेत्र और इसके आसपास यह लंबे समय से डटे हुए हैं। उन्होंने इस पुलिस अधिकारी की कारगुजारियों पर भी संदेह व्यक्त किया है।